नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। मेरा नाम है अमित मुलानी फ्रॉम भारत उड़ान मिशन एंड एटलांटिको इंटरनेशनल, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर एंड ट्रेनर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरी दुबई विजिट के बारे में। जैसे आप जानते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के टोटल 7 सिटीज़ है, जिसके अंदर दुबई वो उसका सबसे बड़ा सिटी है। दुबई जिसके पास जेबल अली पोर्ट है और जितने भी उनके 7 डिफरेंट सिटीज़ है उसके अंदर सारा गुड्स ज़्यादातर दुबई से जाता है। तो जेबल अली पोर्ट उसका मेन पोर्ट है, जहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड गुड्स जो है वो इम्पोर्ट होता है और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है। लास्ट टाइम जब मैंने वहाँ पे विज़िट की थी तो मैंने बहुत सारे ऐसे अलग अलग एरियाज़ विज़िट किए जहाँ पर अलग अलग टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। दुबई के पास खुद का कुछ प्रोडक्शन नहीं है, तो वो ज़्यादातर वर्ल्ड से सारी चीज़ों का इम्पोर्ट करता है और दुबई इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेड सिटी इन द वर्ल्ड वी कैन से। सो जो जो एरिया मैंने विज़िट किए थे उसमें से बर दुबई, जो कि लोकल मार्केट से भरा हुआ है, गोल्ड सुक, उसके बाद टेक्सटाइल सुक, यूटेंसिल सुक, ये सारे जो डिफरेंट मार्केट्स है जहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी प्रोडक्ट यहाँ पे रिटेल के अंदर चलती है। उसके अलावा सबसे बड़ा दुबई का जो मार्केट है वेजिटेबल के लिए वो अल अवीर मार्केट, जो होलसेल और रिटेल दोनों के लिए यहाँ पे प्रस्तापित किया हुआ है। तो मेरी विजिट के दौरान जो जो भी मैंने वीडियोज़ वहाँ से निकाले हैं और इसके अंदर जितने भी शॉप्स और रिटेल शॉप्स अवेलेबल है वहाँ पे और रिटेल जो वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट है उनकी वीडियोज़ मैंने कुछ निकाली हुई है, जो वीडियो ये पूरे वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड की हुई है। तो जैसे आप उसको विजिट करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन कौन सी ऐसी मार्केट्स है जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को रिटेल के लिए भी सेल कर सकते हैं और होलसेल के अंदर भी आप बल्क में काम कर सकते हैं। तो वीडियो के अंदर मैंने गोल्ड सुक, टेक्सटाइल सुक, यूटेंसिल सुक और इसके अलावा अल अवीर होलसेल और अल अवीर रिटेल मार्केट का कुछ वीडियो क्लिपिंग यहाँ पे जोड़ के रखा हुआ है। आप जैसे ही उसको विजिट करेंगे यू विल फाइंड आउट दैट के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दुबई के अंदर अवेलेबल हैं। जैसे आप जानते हैं कि दुबई का कंस्ट्रक्शन जो है वो वर्ल्ड में बहुत फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन में से एक है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी जितनी प्रोडक्ट उनको चाहिए होगी वो सारी प्रोडक्ट वो बाहर के कंट्री से इंपोर्ट करता है। तो ये कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर भी छोटी खीली से लेके अगर आप कांच की बात करते हैं तो सारी चीज़ें यहाँ से जनरली यहाँ पे इंपोर्ट होती है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है दुबई के अंदर और इसी वीडियो के द्वारा आपको बहुत सारी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो हैव अ लुक फॉर द वीडियो। सो ये है यहाँ की लोकल मार्केट जिसके अंदर बहुत सारी गोल्ड की यहाँ पे शॉप्स है। तो आप जब भी यहाँ पे विज़िट करेंगे तो आप बहुत सारा सोना यहाँ से खरीद सकते हैं। जनरली यहाँ से 2500 से 3000 जितना कुछ सस्ता गिर रहा है सोना और बहुत सारी डिज़ाइंस भी अवेलेबल है। और ये पूरा जो एरिया है वो टैक्स फ्री परचेजिंग के लिए है, तो जब भी आप यहाँ पे कुछ परचेज करते हैं तो इट विल बी टैक्स फ्री फॉर यू। एंड देर आर नंबर ऑफ शॉप्स अवेलेबल, यू कैन सी नंबर ऑफ गुड डिज़ाइंस आर आल्सो अवेलेबल। एंड दिस इज़ अ बोर्ड ऑफ द गोल्ड सुक, द मेन एरिया ऑफ दुबई फ्रॉम वेयर यू कैन पिक द गोल्ड फॉर यू एंड योर फैमिली। द पीपल आर कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड डिफरेंट पार्ट्स and they are purchasing a lots of gold from here. Hello दोस्तों, ये यहाँ का है लोकल मार्केट जहाँ से बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप परचेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रही है वो सब डिफरेंट खजूर वगैरह से का आइटम्स है, मतलब कि ये सिंपल लाइफ के अंदर को जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। खजूर है, फिर ड्राई फ्रूट्स है, फिर सब डिफरेंट काइंड ऑफ मसालाज एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जैसे जैसे आप यहाँ पे आगे जाएंगे आपको समझ में आएगा कि कपड़े से लेके सारी जो चीज़ें हैं जो जनरल लाइफ में ज़रूरी होती है वो सारी चीज़ें यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ के सप्लीमेंट की तो दुबई ऐसा कंट्री है जहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो वो खुद बनाता है, तो पूरे दुनिया के अंदर से यहाँ पे सारी चीज़ों का सप्लीमेंट होता है। बहुत सारी चीज़ें इंडिया से यहाँ पे ऑलरेडी सप्लाई हो रही हैं और बहुत बड़ा स्कोप है मार्केट के अंदर चीज़ों को सप्लीमेंट करने का। लेकिन अगर आप यहाँ पर बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी जो भी बेसिक्स इंफॉर्मेशन है उसको पहले आप पिक करिए। परफेक्ट
लोगों को कॉन्टेक्ट करिए, LLC कंपनीज जिनके नाम पे है, ऐसे लोग अगर आपके साथ जुड़ जाए तो आपके लिए बहुत ईजी टास्क हो जाएगा और इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू टू डू द बिजनेस इन दुबई। बाकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो यहाँ पे बिक नहीं रही है, सारा का सारा जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है वो बाहर के कंट्रियों से यहाँ पे प्रोडक्ट को लाया जाता है और यहाँ पे सेलिंग किया जाता है। ये आप देख रहे हैं अभी SMJU जनरल ट्रेडिंग, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, ड्राई नट्स से लेके बहुत सारी चीज़ों का सेलिंग यहाँ पे हो रहा है। सो दिस इज़ व्हाट द मार्केट ऑफ द दुबई, मोस्ट ऑफ पीपल आर कमिंग हियर टू परचेज द प्रोडक्ट्स फ्रॉम वर्ल्ड वाइड एंड सो दिस इज़ द बिग मार्केट एंड द एरिया कोल्ड गोल्ड सुक इन दुबई। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम एंटर हो रहे हैं टेक्सटाइल शॉक के अंदर, जैसे गोल्ड के लिए स्पेसिफिक एरिया था गोल्ड शॉक, वैसे ही ये टेक्सटाइल के लिए है पूरा। और यहाँ पे भी जो आप देख रहे हैं वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट होती है अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स से। सो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू कैन सेल ओवर हीयर एंड लॉट्स ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी सेलिंग इन दिस मार्केट एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर ट्रेडिंग दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट्स। यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट टू दैम, दिज आर द LLC कंपनीज, जो जितनी भी LLC कंपनीज है आप उसके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनको अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। इट इज़ अ ह्यूज मार्केट टू ट्रेड द डिफरेंट काइंड ऑफ द टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। यू कैन चेक इट आउट दैट ये सारी जो प्रोडक्ट्स है वो अपने इंडियन टेस्ट की हैं जो यहाँ पे बिक रही है। हेलो दोस्तों, अब हम जहाँ पे खड़े हैं वो है बूर दुबई एरिया। ये पूरा का पूरा दुबई का मार्केट है, अगेन दूसरा मार्केट आफ्टर गोल्ड सुक एंड दैट पार्ट ऑफ द दुबई वेर वी हैव सीन द डिफरेंट काइंड ऑफ द सुक्स अवेलेबल फॉर द गोल्ड एंड टेक्सटाइल एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है उसकी दूसरी साइड जिसका नाम है बर दुबई, और बर दुबई के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ट्रेडिशनल शॉप्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे शॉप्स के अंदर जितना भी कलेक्शन आता है ये सब कलेक्शन इंडिया से ही इंपोर्ट होता है। देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इनसाइड हेयर टू इंपोर्ट समथिंग इन फ्रॉम इंडिया लाइक टेक्सटाइल मेनली द प्रोडक्ट विच इज़ यूज इन अ लेडीज़ वियर लाइक ड्रेसिस एंड सारीज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ द पटोलाज एंड एट्सेट्रा। तो अगर यहाँ पे आप टेक्सटाइल प्रोडक्ट के अंदर काम करना चाहते हैं तो दिस वन इज़ द बिग बाजार फॉर द टेक्सटाइल प्रोडक्ट। सिंपल सा तरीका है काम करने का, आप गूगल पे जाइए, थोड़ा सर्च आउट करिए बर दुबई एरिया, और यहाँ पे जो भी शॉप्स आप देख रहे हैं वो सारी शॉप्स आपको उसके अंदर भी मिल जाएगी। आप उसके कॉन्टेक्ट नंबर पर जाके उनके कॉन्टेक्ट करिए, उसका जो कलेक्शन है उसको पहले आप खास चेक करिए कि किस टाइप का वो कलेक्शन चाहते हैं, और अगर उसकी डिमांड के हिसाब से अगर आप कलेक्शन उसको सप्लाई कर सकते हैं तो इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू डू द बिजनेस इनसाइड दिस एरिया। ये मैं थोड़ा अंदर आया हूँ और यू कैन चेक इट आउट दैट के ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इंडियंस प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर इम्पोर्ट होती है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि दुबई के अंदर जितना भी गुड्स है वो सारा बेसिकली ज़्यादातर इंपोर्ट होता है। तो यहाँ जो भी बिज़नेस करने के लिए इच्छुक है वो अच्छी तरह से अपना काम चालू कर सकते हैं। दिस इज़ द शॉप ऑफ हर्ब्स, मरहबा। सो दिस इज़ द स्ट्रीट वेयर all the different kind of the grocery stores, then textile stores, then apparel stores and everything is available here.
राइट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ द शॉप. हाय, हाउ आर यू एवरीवन? फाइन. सो दिस काइंड ऑफ शॉप्स आर अवेलेबल हियर एंड यू कैन डू अ वेरी गुड बिजनेस फ्रॉम हियर. सो यू आर सीइंग द स्ट्रीट. ये पूरा का पूरा स्ट्रीट जो है वो सारी अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अवेलेबल है एंड इट इज़ अ ह्यूज मार्केट. If you are seeing in the side, then there is the second street. The number of shops are available here. ये सब उसी का पार्ट है, बर दुबई का. और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिफरेंट काइंड ऑफ द शॉप्स जिनके अंदर लेडीज वियर और जेंट्स वियर कि डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स अवेलेबल हैं. ये जो पूरा रास्ता है इसके अंदर आपको सारी लेडीज़ वियर की डिफरेंट शॉप्स मिल जाएगी और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद देम. यू कैन सेल योर प्रोडक्ट हियर बाय अप्रोचिंग देम इन अ प्रॉपर वे. ऑल द कंपनीज आर जनरली LLC ट्रेडिंग, सो दे हैव लाइसेंस टू वर्क हियर. एंड हियर यू कैन सी दिस इज़ द पर्टिकुलर शॉप कोल्ड कुर्तीज. So many Gujaratis and different Indians have a shops here and they are selling the products. You will find out the good restaurants. They also need a kind of raw material to making the goods. So this one, there are the number of streets available. In every street there are the 4 to 5 different shops and each and every product can be imported inside the Dubai. Right now we are in utensil market. So here all the shops are of utensils, different kind of utensils. Jo vasan jo हम किचन के अंदर यूज़ करते हैं वो सारी प्रोडक्ट का ये मार्केट है. तो यहाँ पे इन चीज़ों का जनरली ट्रेडिंग होता है और सेलिंग होता है. ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोडक्ट अवेलेबल हियर जिसमें बेसिक कुकर से लेके डिशेस और स्मॉल तपेला से लेके सारे वो चीज़ें अवेलेबल हैं. सो जनरली हम घर के अंदर यूज़ करते हैं. तो अगर आप इनके अंदर काम करना चाहते हैं तो इसमें भी बहुत सारा अच्छा स्कोप है. यहाँ पे यू कैन सप्लाई दी डिफरेंट काइंड ऑफ द यूटेंसिल्स टू द शॉप्स. फॉर दैट यू हैव टू कॉन्टेक्ट टू दैट पर्टिकुलर शॉप ओनर्स. तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो भी अलग अलग प्रोडक्ट है उनके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ द एरियाज आर अवेलेबल. लाइक अगर वो गोल्ड है तो वो गोल्ड के लिए अलग से है, अगर वो यूटेंसिल्स है तो यूटेंसिल्स के लिए अलग, कपड़ा है तो कपड़े के लिए अलग, स्टेशनरी है, टेक्सटाइल है. एंड इट इज़ अ यूज मार्केट. यू कैन सी दैट द सेकेंड पार्ट इज फ्रंट एरिया. सो दिस इज़ अ यूज मार्केट विद यूटेंसिल्स ऑल्सो. थैंक यू. हाई फ्रेंड्स, सो अब हम यहाँ पे खड़े हैं अल अबीर मार्केट का जो पूरा होलसेल मार्केट है जहाँ पे सब ट्रक्स जो है वो अनलोड होते हैं अलग अलग कंट्री से. और ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा मार्केट जिसके अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे होलसेल में आती है. तो ये दिस आर द डिफरेंट बोर्ड्स यू कैन सी हियर एंड दिस आर ऑल द LLC कंपनीज. सो कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से माल खुद मंगवाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो यहाँ लोकल से भी बल्क परचेज करते हैं. तो इफ़ यू वांट टू डू द वर्क विद देम तो यहाँ से आप उनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. क्योंकि ये जितना भी आप गुड्स दिख रहे हैं जो कैरोट है
पैक हो रहा है और ये पोमेग्रेनेट है। तो ये सब क्वालिटी जो है वो अलग अलग कंट्री से रहती है। जैसे ये जॉन मैक्स फ्रूट मैंगोज और ये यूएस है, सो इट इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम द यूएस। इसका लेबल भी आप चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी अनार एंड ऑरेंज फ्रेश अवेलेबल है। तो ये सारा का सारा पूरा मार्केट जो है वो उसी के लिए है और ये सब होलसेल यहाँ पे होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं जिनकी यहाँ पे मेन ऑफिसेज है और अगर आपके अच्छे कांटेक्ट हो जाते हैं तो यू कैन स्टार्ट द बिज़नेस। जनरली यहाँ पे बिज़नेस करने की थोड़ी मेथडोलॉजी ऐसी है कि या तो आप अपना गुड्स यहाँ पे जो कमीशन लेके बेचते हैं उनको सेल कर दीजिए, तो वो 5% जितना कमीशन लेते हैं और आपका जो सारा फूड्स है उसको वो बेच देंगे। और अगर आप खुद सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्पेस भी अवेलेबल है, यू कैन सिट ओवर हियर एंड यू कैन सेल इट। सो बहुत सारा फूड्स इंडिया से यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है ऑलरेडी एंड आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो मर्चेंट्स हैं वो इंडिया से हैं ऑलरेडी। ये नासिक की एक शॉप है तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को वो इम्पोर्ट करते हैं। उसके अलावा जॉर्डनियंस है, फिर यहाँ के यूएई के है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सारे कंट्री के लोगों की यहाँ पे शॉप्स अवेलेबल है। और ज़्यादातर यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो टूरिस्ट को अगर आप मिलाते हैं तो अच्छी खासी यहाँ पे पॉपुलेशन हो जाती है रेगुलर बेस पे। और जिनमें से 10% ओनली यहाँ के यूएई के लोकल्स है, तो बाकी जो है उसमें 60-65% वो इंडियंस है, पाकिस्तानी है, 12-15% बांग्लादेशी है, जॉर्डानियन है, टर्किश है, चाइना। सो यू सी दीज आर द डिफरेंट ट्रेडिंग कंपनीज। अगर हम बात करें बिजनेस स्टार्ट करने की तो आप यहाँ पे आके इन लोगों से मिलिए, इनसे बात करिए, आपका गुड्स जो है वो आप भेजिए। इनके पास आने के बाद जो भी आपकी पेमेंट टर्म्स डिसाइड होती है उसके हिसाब से फिर आप काम कर सकते हैं। इसमें इतना वो डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, जैसे कि यू कैन सी हियर इट इज़ अ रेड ऑनियंस एंड इट इज़ मेड इन यूएई। सो यहाँ पे कुछ बनता नहीं है वैसे तो, जो भी चीज़ें आती है वो सारी मोस्ट ऑफ अलग अलग कंट्री से ही आती है। और सरहान ट्रेडिंग करके भी यहाँ पे कंपनी है, रशीद मोहम्मद अल हमली, ये आप देख सकते हैं पूरा ऑनियन है जो यहाँ पे ट्रेड होता है बल्क में। और ये सारे जो कंटेनर लोड हो रहे हैं सो निष्कर्ष ये है कि बिजनेस करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर बेसिकली सिक्योरिटी इज फर्स्ट पार्ट विच इज़ रिक्वायर्ड व्हेनेवर यू आर डूइंग द बिजनेस। सो ये है दुबई की अलावीर मार्केट, जहाँ पे मैंने आपको बताया उस तरह से अलग अलग चीज़ों पे यहाँ पे ऑलरेडी काम होता है, अलग अलग प्रोडक्ट पे। और यू कैन डू द बिजनेस विद द पीपल बट हैव टू बी सिक्योर फर्स्ट फॉर द पेमेंट एंड सेकेंड वन इज़ दैट कि बिजनेस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप यहाँ पे आइए, लोगों को मिलिए, उनसे बात करिए और शुरू में थोड़ा थोड़ा गुड्स लेके आप स्टार्ट करिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित मुलानी फ्रॉम भारत उड़ान मिशन एंड अटलांटिको इंटरनेशनल। सो राइट नाउ आई एम इन दुबई एंड हियर दिस इज़ द मार्केट कॉल्ड अलावीर मार्केट। दिस इज़ द फुल मार्केट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो ये पूरा का पूरा जो मार्केट है वो वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा अंदर जाके चेक करते हैं कि मार्केट के अंदर जो भी यहाँ पे सेल हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सारी की सारी प्रोडक्ट दुनिया के अलग अलग कंट्री से यहाँ पे आती हैं। तो आपको यहाँ से यूएसए, ट्यूनीशिया, अफ्रीकन, एशियन, यूरोप, ये सारी जो फूड प्रोडक्ट्स है आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और हर एक चीज़ की क्वालिटी जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर हम बात करें ऑनियन की, तो ऑनियन जो इंडिया का रहेगा वो रेडिश है और जो
यूएसए से है, वो वाइट कलर में है एंड दिस वन इज़ द एंट्री ऑफ द मार्केट एंड यू कैन सी द डिफरेंट प्रोडक्ट्स हियर। सो वेजिटेबल वाटरमेलन एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप दुबई के मार्केट में काम करना चाहते हैं तो यहाँ की एक सिंपल मेथडोलॉजी है कि सबसे पहले तो जो भी चीज़ यहाँ पे सेल हो रही है आप इसको समझिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट सेल हो रही है वो सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री से आती है, तो किस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है और उसके हिसाब से आप क्या यहाँ पे सेल कर पाएंगे, दिस इज़ व्हाट द वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये पूरा का पूरा होलसेल मार्केट है, तो यहाँ से प्रोडक्ट परचेज होने के बाद दुबई के अलग अलग पार्ट्स में पहुँचती है। दुबई के साथ अगर काम करना चाहते हैं तो LLC कंपनीज़ यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड है तभी जाके वो यहाँ पे ट्रेडिंग कर पाती है, तो यू टू फाइंड आउट द LLC डिफरेंट कंपनीज वो आर ट्रेडिंग ओवर हियर। पिछले अगर 2-3 साल से बात करें तो बहुत सारे फ्रॉड के केसेस भी यहाँ पे हुए हैं, बट द मार्केट है वो पूरा ओपन है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप प्रॉपरली सबसे पहले उसको चेक करें अच्छे से, जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं उनको आप अच्छे से मिलिए, उससे बात करिए आपकी जो टर्म है और जो भी आपकी मेथडोलॉजी है वर्क करने की उसको अच्छी तरह से तय करके आप उनके साथ डील कर सकते हैं। सो दिस आर द वॉल सेलर। हाय, हाउ आर यू? फाइन। दिस आर द वॉल सेलर ऑफ ऑनियंस, यू कैन सी पोटैटो एंड ऑनियंस। एंड दिस इज द प्राइस लिस्ट, ऑनियन इंडियन। ये पूरा का पूरा फ्रूट्स है जो अलग अलग जगह से पैक होकर यहाँ पे आया है। दिस इज व्हाट द प्राइस लिस्ट ऑफ दैट एंड यू कैन सी इट इज़ द वन बॉक्स ऑफ 20 dirham, इट इज अल्टीमेटली 400 rupees। एप्पल रेड, वैलेंसिया, नावेल, इजिप, ग्रैप्स एंड एट्सेट्रा। हाय, व्हाट्स योर नेम? आंसर भाई। सो ये सब जो गुड्स है वो कहाँ कहाँ से आते हैं? अलग अलग कंट्री से? अलग अलग कंट्री से आते हैं, मेनली इंडिया से आता है, पाकिस्तान के आता है, स्पेन से आता है, न्यूजीलैंड से आता है। अच्छा, तो कंट्री से आता है। आप यहाँ पे इसको कहाँ से लाते हैं? मेन मार्केट से? आप कहाँ से लाते हैं इसको? ये पैक आप करते हैं कि ये फिर आप लोग करता है? अच्छा, और आपके पास से कौन परचेज करता है ये? आपके पास से होलसेल? हम लोग रिटेल, ये रिटेल है। अच्छा, ओके। आंसर भाई, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। सो दिस वन इज द रिटेल काउंटर हियर एंड ऑन द डिफर साइड इट इज द होलसेल ऑल्सो। तो मैं बात कर रहा था, अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस ओवर हियर, बट उससे पहले आपको समझना है बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें यहाँ पर बिक रही हैं उसकी डिमांड क्या है, उसका सप्लीमेंट कहाँ कहाँ से हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्योंकि अगर वो ऑथेंटिक नहीं है तो फिर ये काम करने में ज़्यादा दिक्कत होने के चांसेस है, मेनली पेमेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो भी सब काम होता है तो पूरा का पूरा वी कैन से क्रेडिट पे होता है। सो सबसे पहले तो आपको पार्टी को अच्छी तरह से चूज़ करना होगा, आपका एक एजेंट यहाँ पे रखना ज़रूरी है, अगर आपका एजेंट यहाँ पे है तब जाके आप अच्छे से काम कर सकते हैं। और दिस इज़ व्हाट द बेसिक नेसेसिटी टू स्टार्ट द बिजनेस हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।